वेलकम टू कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपकी बार जो है वो अगले वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे, पिछले वीडियो को आने में काफी समय लग गया। तो आप जो एक मशीन ये सामने देख रहे हैं, ये मशीन है मिनी हाइड्रोलिक। दरअसल बिल्कुल मिनी हाइड्रोलिक नहीं अब कह सकते हैं इसको, इसको अब नया नाम देना पड़ेगा। मैं जल्दी, आप लोग भी कॉमेंट में सजेस्ट करिए कि इसको नया नाम क्या दे सकते हैं। ये मिड रेंज का हाइड्रोलिक मशीन है। मिड रेंज का हाइड्रोलिक मशीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका साइज जो है ना वो मिनी मशीन से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये बहुत सकरी जगहों में नहीं जा सकता, घर के अंदर बहुत नहीं कर सकता। तो जो वो खूबी है घर के अंदर काम करने वाली, वो उस मिनी हाइड्रोलिक में ही होती है जो हम लोग अभी तक आपको दिखाते रहे हैं। तो ये मशीन है कैसी, जैसी हमने देखी पिछले वीडियो में जिसमें हमने टाटा इंजन जिसमें लगाया गया था उस मशीन के बारे में बात करी गई थी। ये मशीन थोड़ा हैवी है क्योंकि इसमें लगाया गया है चेचेस ताकि जो है मशीन में ड्रिलिंग पाइप को रखा जा सके। नॉर्मली जो हाइड्रोलिक मशीन होती हैं जो में हम ड्रिलिंग पाइप को स्टोर नहीं कर सकते, उनके रखने का कोई जगह नहीं होता है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आप ड्रिलिंग पाइप भी रख सकते हैं, आसानी से रखे जा सकते हैं। जब से इस तरह के मॉडल तैयार होना शुरू हुए हैं हमारे ग्राहकों को काफी हद तक ये पसंद आ रहे हैं और काफी ज्यादा डिमांड भी बढ़ी है इस तरह के मॉडल में। ये सारे ही वेरिएंट में इस चेचेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो छोटा मशीन हो, चाहे वो टाटा इंजन में हो, चाहे वो आइसर इंजन में हो, या पीटीओ वाले जो मॉडल होते हैं। हालांकि मैंने एक दो मॉडल मैं आपको दिखा चुका हूँ, धीरे धीरे हम सारे मॉडल को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की मशीन है। तो थोड़ा सा मशीन के नजदीक चलते हैं ताकि जो अंतर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको नॉर्मल हाइड्रोलिक मशीन से वो आपको आसानी से समझ आए। तो पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं चेचेस का, तो ये जो चेचेस है नॉर्मल में चेचेस जो लगती है ना वो 4 इंच या 5 इंच का चेचेस साइज लगता है और वो उसमें जो है ना ड्रिल रॉड रखने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता है। तो ऐसे इसमें क्या है कि 9 इंच का चेचेस लगाया गया है और ये जो स्पेस यहाँ पर ये बेस के बीच में और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर जहाँ पर पूरा माउंटिंग है इसके बीच में इतनी जगह ये निकल आती है जहाँ पर आपको काफी सारे ड्रिल पाइप जो है रखने की जगह मिल जाती है। तो अब जब चेचेस में मशीन में ही पाइप रखे जाएंगे तो मशीन का भारी होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसमें जो जैक, जो लेवलिंग लेवल करने के लिए जैक लगाए गए हैं वो भी अच्छी तरह से फिट भी किए गए हैं। अच्छी तरह फिट तो हर मशीन में किए जाते हैं बट इनको साइज में भी बड़ा रखा गया है। 75 mm में जैक डाले गए हैं ताकि मशीन वजन भी उठा सके, वजन उठाने के साथ साथ चलने में वाइब्रेशन नहीं करे। मशीन का चौड़ाई काफी ज्यादा हो गया है जैक लगने की वजह से, आपको चौड़ाई काफी ज्यादा मिल जाता है। तो जब चौड़ाई मिल जाती है मशीन में तो आपका जो मशीन का बैलेंस है काम करते समय वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मशीन ज्यादा वाइब्रेट नहीं करती, इधर उधर बहुत हिलती नहीं है। हैवी मशीन में फिर एक चेंजेस और भी किए गए हैं। यहाँ पर आगे जो है ना ये एक टेम्पर्ड मेटल की एक गरारी लगा दी जाती है ताकि क्या है ना कि आसानी से ये जो हिच है, ये कुंडा है, ये भी हैवी हो गया है। जब हैवी मशीन हो जाएगी तो इसका हुक भी जो है वो हैवी कर दिया गया है और ये टेम्पर्ड जब हो जाता है तो हुक जो है इस मेटल को यहाँ, ये जो प्लेट ये लगा है गरारी, इसको घिसने नहीं देता है। तो ये एक छोटा सा चेंज है लेकिन काफी उपयोगी चीज है वो। अगर उसको साधारण तरीके से बना दिया जाएगा तो ये वेट होने में जब गड्ढों में चलेगा तो ये जो है ऐसे ऐसे हिलने की वजह से उसको खराब कर देगा और जल्दी ही वो खराब हो जाएगी, जल्दी ही उसको रिपेयरिंग करने के लिए लाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं मशीनरी का, जो आप इंजन वगैरह देख रहे हैं ये 22 हॉर्स पावर में लगाया गया है और ये तो हम इस इंजन के बारे में पहले भी कई बार में बात कर चुके हैं। 22 हॉर्स पावर का ब्रांड न्यू इंजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे पास ज्यादातर मशीन जो बनती हैं वो ब्रांड न्यू इंजन के साथ में ही बनती हैं। हम पुराने इंजन बहुत कम यूज करते हैं, यूज इसलिए नहीं करते कि पुराने इंजन में मेंटेनेंस का भी लफड़ा रहता है और उसमें गारंटी वारंटी का भी प्रॉब्लम रहता है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट गारंटी वारंटी, जो भी कंपनी का गारंटी वारंटी होता है वो आपको मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप नए इंजन में जाएं, बाकी आपकी चॉइस होती है। अगर आप कोई भी कहते हो तो हम वो इंजन लगा के आपको मशीन देते हैं।
अब बात करते हैं फिर से, जब चेचेस को हैवी किया गया है ताकि उसमें ड्रिलॉड रखे जा सके, तो उसमें टायर को भी बड़ा किया गया है। टायर को बड़ा करने के साथ साथ रिम को भी हैवी किया गया है। ये जो ट्रक वाले रिम होते हैं या ट्रॉली पे लगते हैं, नॉर्मल जो एग्रीकल्चर ट्रॉली होती है उनमें जो धुरा लगता है उस धुरे के इस्तेमाल किया गया है। वही हब जो सेंटर में एक ये होता है, इसको हब बोलते हैं, ये हब इस्तेमाल किया गया है। और ये रिम भी जो है मोटी मेटल प्लेट का बना हुआ है ताकि वो वजन सह सके और उबड़ खाबड़ या कठिन रास्तों में जो है आसानी से वजन वजन को लेके जा सके बिना किसी प्रकार की नुकसान किए। और मशीन जब टायर बड़े हो गए तो मशीन को पलटने भी ये नहीं देते हैं, क्योंकि मशीन में वजन के साथ साथ थोड़ी ऊंचाई भी बढ़ जाती है। तो ये सारा कुछ चेंज करना पड़ता है अगर मशीन में आपको इस तरह का मॉडल चाहिए, इस तरह के मॉडल में आपको जाना है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो मशीन की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नॉर्मल जो आपने ये मॉडल, वैसे इंदिरा 22 EH नाम से फेमस होता है, इस मॉडल को इंदिरा 22 EHC नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें चेचिस और लग गया तो उसको मार्क करने के लिए सी और ऐड कर दिया गया। तो इसकी लेंथ की अगर बात करें तो ये नॉर्मल इंदिरा 22 EH से करीब 1.5 फीट अधिक लंबा होगा मशीन। ये 1.5 फीट अधिक लंबी होगी। चेचिस का जो साइज है वो 9 फीट का चेचिस होता है, बाकी आप आगे जो हिच वगैरह पार्ट है वो देख सकते हो। तो करीब 10.5-11 फीट तक की ये 10.5 फीट तक की ये मशीन की टोटल एंड टू एंड जो है लेंथ मशीन जाएगी, 10.5 फुट आप लेके चल सकते हो। इसी तरह की माउंटिंग में आप कोई सा भी इंजन लगा सकते हैं, लग सकता है, मतलब चेचिस का साइज सेम रहता है। आप आगे अगर अभी आगे चलेंगे तो देख पाओगे आप कि आगे अभी इतना स्पेस है कि अगर कुछ बड़े इंजन भी लगाने हैं तो वो लग सकते हैं। हालांकि उन इंजन के हिसाब से फिर हाइड्रोलिक का सेटअप जरूर चेंज करना रहेगा, हर इंजन के हिसाब से हाइड्रोलिक का सेटअप लगाया जाता है। तो लेकिन मशीन का साइज, अगर कोई आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होना कि चेचिस में कौन से मॉडल में कितनी लंबाई होगी, तो चेचिस वाले मॉडल की लंबाई ना सारे मॉडल की लंबाई सेम रहेगी, बस उसमें वेट का डिफरेंस आएगा और उसमें जो इक्विपमेंट हाइड्रोलिक पार्ट्स लगे हैं, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट लगे हैं, उनका बदलाव होगा। लंबाई चौड़ाई सारे चेचिस वाले मॉडल की सेम रहती है, जबकि जो नॉर्मल चेचिस बनती थी उसमें हर मशीन की लंबाई का अंतर आ जाता है, क्योंकि उसमें जितनी जरूरत होती है उतनी बड़ी ही चेचिस डाली जाती है। अब इसमें जो चेचिस है फिक्स साइज डाला जाता है, एक ही स्टैंडर्ड साइज डाला जाता है, उसी में हम सभी प्रकार के इंजन को इंस्टॉल कर देते हैं। जैसा मैं बोल रहा था कि आगे आप देखोगे काफी ज्यादा स्पेस छूटा हुआ है इंजन के आगे, ताकि अगर कोई बड़े इंजन भी है, 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर इंजन भी है, तो उनको भी आसानी से लगाया जा सके और आपको आप आसानी से काम कर पाओ। तो मशीन के बारे में मैंने जो बेसिक डिफरेंस जो चेंजेस हैं वो सारे बता दिए हैं। और बाकी क्या है, नॉर्मल इस मशीन में 22 हॉर्स पावर का इंजन डाला गया है, सेल्फ स्टार्ट इंजन है, उसके बारे में बता दिया। हाइड्रोलिक जो पंप है, हाइड्रोलिक पंप लगाया गया है आपका 120 LPM का, जो नॉर्मल 22 हॉर्स पावर की मशीन में लगता है, ठीक है। हाइड्रोलिक टैंक हो गया, 2 कंट्रोल लीवर, ये कंट्रोल वाल्व हो गया, जो 2 कंट्रोल लीवर हैं, एक लिफ्टिंग के लिए एक रोटेशन के लिए, ठीक है। और ये पंप जो 120 LPM का मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हैवी है कि वो सारे काम करने के लिए तैयार है। लिफ्टिंग भी बहुत अच्छे से करेगा और रोटेशन भी पर्याप्त देगा। अब हाइड्रोलिक मोटर में बात करते हैं, हालांकि इस मोटर के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इसमें BMR 400 का मोटर लगता है जो कैपेबल है 300 फीट तक का काम करने के लिए, और आप इसे आराम से 10 इंच तक का बोरिंग कर सकते हैं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर आप थोड़ा बड़ा भी बोरिंग कर सकते हैं, 12 इंच तक का जो है बोरिंग कर सकते हैं, मतलब 300 mm, 250-300 mm तक आप अगर रहना चाहते हो तो ये मशीन परफेक्ट है। और आप ऊपर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये भी नॉर्मल हाइड्रोलिक मशीन से काफ़ी हैवी बनाया गया है। ये जो चैनल लगे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये बेस जो बना हुआ है, तो ये माउंटिंग के लिए जो बेस बनाया गया है ये काफ़ी हैवी है। वाटर पंप 3x3 का इसमें लगाया गया है, 2 आउटपुट दिए गए हैं। हम कई बार बात कर चुके हैं 2 आउटपुट के बारे में, फिर भी एक बता देते हैं कि एक आउटपुट जाएगा रोटरी बॉक्स में और एक जो है फ्री रहेगा जो गड्ढा बनाते हैं पानी वाला उसके लिए, ताकि जब आपको ड्रिलॉड बदलनी हो तो यहाँ बाल्वाल लगेंगे, बाल्वाल बंद करके इसको खोल लीजिए। तो और ये आपका सक्शन हो गया, पानी का इनलेट हो गया, यहाँ से पानी आएगा और ये दोनों आउटपुट हो गए।
ये वाटर पंप के बारे में जानकारी हो गई। हालांकि इस मशीन में जो मैंने बताने के लिए आपको वीडियो में आया हूँ वो यही है कि ये 22 हॉर्स पावर में जो इंदिरा 22EH मॉडल आप देखते थे उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है, चेचिस मॉडल है ऐसे समझ लीजिए, हाइड्रोलिक। इसको नाम कमेंट में आप जरूर सजेस्ट करिए, लेकिन हम लोग इसको हाइड्रोलिक चेचिस बोल अभी फिलहाल तो उसको इसी नाम से जान रहे हैं कि हाइड्रोलिक चेचिस मॉडल। ऐसे हम लोग उस मशीन को कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को, अपने लोगों को, अपने साथियों को इस तरह से उसे बताते हैं ताकि हम लोग समझ पाएं या वो भी समझ पाएंगे कि इस मशीन के बारे में बात हो रही है। अगर कोई अच्छा सा नाम आपको लगता है कि इसको किस नाम से बुला सकते हैं तो वो जरूर कमेंट में लिखिए। हम तो सोच ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सोचिए कि क्या हो सकता है। बाकी ये मॉडल आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको पसंद आता है, किसी को भी ज़रूरत है इस तरह के इस मशीन की, कहीं भी हम पूरे देश में अच्छे से सप्लाई करते हैं। आज ही जैसे अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो इसके 2 मिनट पहले अभी एक मशीन लोड हुई है उड़ीसा के लिए। तो हालांकि वो चेचिस वाला मॉडल नहीं है, वो सादा मॉडल है जिसमें पहले की तरह जो पुरानी पहले चेचिस लगाते थे उस तरह का चेचिस का इस्तेमाल किया गया है। तो आप पूरे देश में आप कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कहीं भी मशीन चाहिए, किसी भी प्रदेश में चाहिए, किसी भी शहर में चाहिए, वहाँ तक पहुँचाने का, वहाँ तक डिलीवरी देने के सारी जिम्मेदारी कंपनी की है। आपको जो भी आपकी डील बनती है, जितने भी पैसे आपको देने पड़ते हैं वो पैसे आप देंगे तो सही सलामत सुरक्षित जो है मशीन आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, मशीन कैसी लगी, ये जरूर कमेंट में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।